नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को जो नफरत की दुकानें फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक हो चाहे यूट्यूब, उनको मैं एक्सपोज कर सकूं ताकि भारत का संविधान का दिया गया सेक्युलर फैब्रिक, सेक्युलर ढांचा बरकरार रहे, इंटैक्ट रहे और उसको नुकसान पहुंचाने वालों और उसको तोड़ने की कोशिश करने वालों का पर्दाफाश हो सके। भारत में आज और खास करके जब से ये मोदी सरकार बनी है 2014 में, तब से अनेक फोर्सेस हैं और अनेक लोग हैं सोशल मीडिया पे जो कि ये नफरतों की दुकानों को फैला रहे हैं। कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा क्योंकि नाम लेना जरूरी है और क्योंकि सत्य बोल रहा हूं और सत्य हमेशा एक डिफेमेशन के केस में एक परफेक्ट डिफेंस होता है और पब्लिक इंटरेस्ट में सत्य को बोलना हमारा राइट ही नहीं, हमारी ड्यूटी भी होती है। तो इसी को देखते हुए आपके सामने कुछ नाम लेने वाला हूं। ये लोग नफरतों की दुकान है जो हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ के पूरे भारत में दंगे कराना चाहते हैं। मेरा मानना है इन लोगों के चैनल, इन लोगों के सोशल मीडिया पेजेस बंद ही नहीं, इन लोगों को भी स्वयं कालकोठरी में यानी जेल में बंद कर देना चाहिए, देश की पीस के लिए, देश के सेक्युलर फैब्रिक को इंटैक्ट रखने के लिए। ये नफरतों की दुकान है। पहला नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा। जी हाँ, जो पहला प्राइज जाता है इस मामले में जाता है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा को। ये एक वीर सावरकर की विचारधारा वाले इंसान हैं। पाकिस्तान में भी काम किया है इन्होंने, फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं, अपने को अब एक्टिविस्ट बोलते हैं और इनका सारे एक्टिविज्म का बस एक फोकस है कैसे हिंदू मुसलमान एकता में दरार डाली जाए, मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जाए और देश में दंगे फैलाए जाए। ये बड़े ही डेंजरस मानसिकता के इंसान हैं, देश विरोधी सेक्युलर फैब्रिक तोड़ू किस्म के इंसान हैं। रिपीट कर रहा हूं, इनका नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा। इनके नाम के दो तीन यूट्यूब चैनल्स चलते हैं, एक नाम इन्हीं के नाम से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा। आप उस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस पे जाके खूब रिपोर्टिंग करें, खूब डिसलाइक करें, खूब कमेंट करके इनको बताएं कि आपकी नफरत की दुकान हम नहीं चलने देंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है मेरे भाई। उसी प्रकार से दो और यूट्यूब चैनल हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा फैंस और वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा, इस किस्म के यूट्यूब चैनल्स। इन सब में भर के ये भड़काऊ भाषण और ये गंध भरी हुई है, इनकी नफरत की दुकान चालू है। इन चैनल्स को जल्दी से बंद कराने का आप लोग प्रबंध करें, यही मेरी आपसे अनुरोध है। दूसरे नंबर पे आते हैं इनके प्रोडिजी, जिनको आजकल ये बड़ी जोर से प्रमोट कर रहे हैं। नाम है डॉक्टर आनंद रंगनाथन। जी हाँ, डॉक्टर आनंद रंगनाथन पढ़े लिखे पीएचडी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, बड़ी सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं, इंटेलेक्चुअल इनको माना जाता है जो कि ये हैं। और इसी कारण से ये और डेंजरस होते हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर भी बिगटरी भर के भरी है, मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेड भर के भरा है और ये बस एक काम कर रहे हैं बहुत जोरों से, हिंदू मुसलमान एकता में दरार डालना, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना और पूरे देश भारतवर्ष में दंगे फैलाना। दिस मैन इज लिटरली विदाउट अ वेपन वेरी डेंजरस बिकॉज हिज वेपन इज हिज टंग एंड देन जो नॉलेज है, जो रिसर्च है, उसको ये ट्विस्ट करके गलत तरीके से प्रेजेंट करके देश में कम्युनल भावना भड़काते हैं, दंगे फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे इंसान हैं जो एक प्रोफेसर है और इन्हीं की यूनिवर्सिटी और कॉलेज और क्लास में इन्हीं के बच्चे
स्टूडेंट्स इनको बॉयकॉट करते हैं और क्लासरूम में घुसने नहीं देते हैं क्योंकि इतनी नफरतों की ये दुकान फैला रहे हैं। कलंक है प्रोफेसर के नाम पे, एक शिक्षक के नाम पे। तीसरी नंबर की नफरत की दुकान एक बॉलीवुड के वॉनबी सो कॉल्ड बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, नाम है विवेक रंजन अग्निहोत्री। एक आधा कोई पिक्चर इन्होंने बनाई है, अपने को बॉलीवुड के सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन मानते हैं। ये भी आजकल वही कर रहे हैं, दिमाग से कम है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा जितना दिमाग, आनंद डॉक्टर आनंद रंगनाथन जितना दिमाग इनके में नहीं है, लेकिन जितना भी है वो सारा इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ एक डायरेक्शन में, देश में नफरत फैलाने की दुकान चला रहे हैं, कम्युनल हेटरेट फैला रहे हैं। एक मकसद है, देश में हर जगह दंगे फैलाएं, हिंदू मुसलमान दंगे फैलाएं। बहुत ही डेंजरस है, इनको भी किसी बंदूक बम की जरूरत नहीं है। इनकी जबान और इनका यूट्यूब चैनल जिसमें ये बुद्धा जी का नाम बर्बाद कर रहे हैं और नाप पे कलंक लगा रहे हैं, क्योंकि इनका यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आई एम बुद्धा, उस यूट्यूब चैनल पे ये डेली अपनी नफरत की दुकान चलाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है इनके चैनल को भी भर भर के रिपोर्ट करें, डिसलाइक करें वीडियोस और इनके चैनल के वीडियोस पे कमेंट जाके करें। जय भारत टीम की ओर से, एशिया न्यूज के ओर से जाके कहें, हिंदू मुसलमान से ईसाई सब है मेरे भाई, तुम्हारी नफरत की दुकान हम चलने नहीं देंगे। विवेक रंजन अग्निहोत्री। चौथे नंबर पे एक छोटी नफरत की दुकान है जो कि इतनी डेंजरस नहीं है, थोड़ी सी डेंजरस है, नाम है द श्याम शर्मा शो। ये श्याम शर्मा है, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, राइट विंग आइडियोलॉजी से है, मुझे दिक्कत नहीं है राइट विंग आइडियोलॉजी, जब तक आप संविधान में कानून में रह के चले, लेकिन ये भी राइट विंग आइडियोलॉजी है, कभी कभी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ अपनी हेट्रेड जो पाले हुए हैं दिमाग में दिल में उसको बाहर निकालते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं इनको डेंजरस नहीं बोलूंगा क्योंकि यूट्यूब पे बेसिकली पैसा कमाने आए हैं, पैसा कमा भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको भी वॉच करना चाहिए। तो इनको भी मेरे सभी फॉलोअर्स, पूरी भारत आर्मी, इनके चैनल पे जाके रिपोर्टिंग ना करें, भले ही चैनल बंद ना कराए, अभी बंद कराने की स्टेज नहीं आई है, लेकिन वीडियोज को खूब डिसलाइक करें और कॉमेंट्स जाके छोड़े, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है मेरे भाई, तुम्हारी नफरत की दुकान फालतू दुकान हम नहीं चलने देंगे। पांचवा नंबर आता है, एक और जने हैं, नाम है ओपन लेटर, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, नाम है ओपन लेटर। उन्होंने शुरुआत करी पूरी तरीके से राइट विंग आइडियोलॉजी से, मुसलमान बैशिंग करी, अब थोड़ा सा वो न्यूट्रल होने लगे हैं और इम्प्रूवमेंट दिख रही है। तो इनके भी चैनल को रिपोर्ट ना करें क्योंकि कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रही है, ये इंसान बनवाए हैं, एक बिगट से इंसान बन रहे हैं, लेकिन इनकी भी वीडियोस को जाके डिसलाइक करके कमेंट्स में जरूर आप लोग लिखे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है मेरे भाई और देश के सेक्युलर फैब्रिक के लिए काम करो, देश को तोड़ने वाला काम ना करो। छठा नंबर यूट्यूब चैनल का नहीं, फेसबुक पेज का है, सोशल मीडिया पेज है, चलता है ऑप इंडिया या ओपिनियन इंडिया कुछ इस प्रकार का, आप लोग जानते होंगे, काफी वेलवर्स है, बड़ा पेज वगैरह है। ये ऑप इंडिया वाले नफरत की दुकान है, बहुत ही डेंजरस है, मेरा मानना है इनके सभी सोशल मीडिया पेजेस बंद कर देने चाहिए। इनका सिर्फ एक काम है राइट विंग आइडियोलॉजी फैलाना, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब संविधान को और कानून की ये मर्यादा को एक्सीड करते हैं और हिंदू मुसलमान दंगे भड़काने के भाषण देते हैं, बकवास बोलते हैं, वन साइडेड प्रोपेगेंडा फैलाते हैं जिससे देश के सेक्युलर फैब्रिक को हार्म पहुंचे, तो मेरा मानना है ऐसे पेजेस को पुल डाउन कर देना चाहिए। इनके पेजेस को, इनकी स्टोरीज को खूब आप लोग रिपोर्ट किया करिए ताकि स्टोरीज डिलीट हो जाए एंड इवेंचुअली फेसबुक इनसे इनपे एक्शन ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या बोले, सोशल मीडिया में तो फेसबुक ही आज के तारीख में 10% पार्टनर है मुकेश अंबानी जी का। मुकेश अंबानी जी और मोदी जी की दोस्ती यारी और पार्टनरशिप पूरा देश पूरी दुनिया जानती है, आज उसमें फेसबुक भी शामिल हो गया है,
तो इनडायरेक्टली फेसबुक भी भाजपा को भारत सरकार को प्रमोट करता है और ये ऑप इंडिया डायरेक्टली भारत सरकार को ही बीजेपी को ही और आरएसएस की ही विचारधारा को प्रमोट करता है। तो वो देखने में होगा कि कितना इनका पेज वगैरह डिलीट होगा, लेकिन फिर भी मेहनत करने वाले की कभी कभी उसकी हार नहीं होती। तो आप लोग रिपोर्ट करिए इनकी घटिया स्टोरीज, इनकी कम्युनल स्टोरीज और इनके पेज को मास रिपोर्टिंग करिए और कोशिश करने में क्या जाता है। फेसबुक डिलीट करे ना करे, ना करेगा तो हम लोग जो ऑलरेडी जानते हैं उस पर और प्रूफ हमें मिल जाएगा कि फेसबुक भी बिक चुका है। तो ये थे कुछ, एक आध और नाम लेना चाहूंगा, एक उपदेश राणा करके हैं, मैं ज्यादा इनके बारे में नहीं जानता, बस ये है सुना है कि सड़क छाप गुंडे टाइप इंसान है जो कि सैफरन पहन के, भगवा कलर पहन के आजकल अपने को संत की तरह पदयात्रा वगैरह करते रहते हैं, लेकिन बैकग्राउंड इनका बड़ा वायलेंट किस्म का बैकग्राउंड है। जय हिंदुत्व करके पेज चलाते हैं, 80,000 फॉलोअर्स हैं और हर बार क्योंकि पेज में ज्यादा लोग देखते नहीं है तो ये कह देते हैं कि मेरे ऐसे तमाम पेजेस थे, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे लेकिन पेजेस डिलीट हो गए। तो इनको लगता है अभी भी लेसन नहीं समझ में आता है कि भाई डिलीट हो गए क्योंकि तुम भड़काऊ भाषण देते हो, गलत काम करते हो, अच्छा काम करो तो नहीं डिलीट होगा। और आज भी अपने 80,000 वाले फेसबुक यूट्यूब चैनल को ये कहते हैं कि मेरे यहां 8,00,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो पता नहीं क्यों ये 80,000 से जीरो लगा देते हैं। ये एक नया ट्रेंड आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लोग जिनके फॉलोअर्स 1,000 होते हैं वो 1,00,000 बोल देते हैं, 1,00,000 वाले 10,00,000 बोल देते हैं, कुछ लोग तो 10 करोड़ भी बोल देते हैं जबकि फॉलोअर उनके शायद 1,00,000 या 2-4 लाख हों। तो ये आजकल नया ट्रेंड चल रहा है। एनीवेज भटकना नहीं चाहता, ये जय हिंदुत्व पेज है उपदेश राणा का यूट्यूब चैनल है, इनके फेसबुक पे भी पेजेस चलते हैं उपदेश राणा के नाम पे या उपदेश राणा फैंस के नाम से या उपदेश राणा वी सपोर्ट उपदेश राणा। तो जितने ये उपदेश राणा नाम के सपोर्ट फैंस वगैरह वगैरह पेजेस मिले सबकी मास रिपोर्टिंग करिए क्योंकि यहां सिर्फ नफरत की दुकान फैलाई जा रही है। इनके इनके पोस्ट को रिपोर्ट किया करिए, पेज को रिपोर्ट किया करिए और सभी पेजेस को फेसबुक से आग्रह करिए कि डिलीट कराया जाए क्योंकि ये सेक्युलर फैब्रिक भारत के संविधान और कानून के खिलाफ है जो इनके पेजेस पे हरकतें चलती हैं, नफरतों की दुकान पाली जा रही है इनके पेजेस पे। तो बस इतना सा, ये कुछ नाम थे, 6-7 नाम, चाहे फेसबुक सोशल मीडिया पेजेस हो चाहे यूट्यूब चैनल हो, ये सब नफरत की दुकान चला रहे हैं। इनकी दुकानें आप लोग बंद करें, इनके खिलाफ एक्शन ले। और अंत में बस यही कहना चाहूंगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबो मेरो भाई, ये बात हमेशा याद रखें, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये बात ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।